हम अब छल्लों पे, तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि ये करीना का बिग आइटम नंबर है, तो आपको नहीं लगता कि प्रियंका के साथ ये परफॉर्म करके कहीं ना कहीं करीना हर्ट हुई है और इसके लिए आप कुछ मेकअप करना चाहेंगे? देखिए, आपका दिल बड़ा है तो आप एक्सपेक्ट करें दूसरों का दिल भी बड़ा होगा। आपका दिल अगर छोटा है तो एक्सपेक्ट करें दूसरों का दिल छोटा होगा। एक्चुअली वो जो गाना है हमारी फिल्म से है, मेरी फिल्म से है, जिसका मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। वो गाना शाहरुख की फिल्म से है जिसके शाहरुख प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी। मतलब ये कि शाहरुख का उस गाने पर पूरा हक है और वो किसी के साथ भी उस गाने में कर सकते हैं डांस। एक्चुअली वो जो गाना है हमारी फिल्म से है, मेरी फिल्म से है, जिसका मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। दरअसल हुआ यूं कि एक सोशल कॉज के लिए शाहरुख ने प्रियंका के साथ किया डांस, लेकिन ये डांस मीडिया की हेडलाइंस इसलिए बन गया क्योंकि शाहरुख ने इसे रावण के छम्मक छल्लो सॉन्ग में परफॉर्म किया जो करीना पर फिल्माया गया था। बस फिर क्या था, मीडिया का गॉसिप बाजार इस बात से गर्म हो गया कि शाहरुख के इस एक्ट से करीना नाराज हैं, क्योंकि करीना और प्रियंका की कैट फाइट का सबको पता भी है और सबको खबर भी है। About the whole accent thing on Coffee with Karan, which was like a joke because I thought that she was, I mean, it was something like more like tongue in cheek and fun. I didn't think that she would, make it such a big deal. And I'm very upset about it. लेकिन इन सभी खबरों पर शाहरुख ने फेर दिया पानी, ये कहकर। Actually, वो जो गाना है हमारी फिल्म से है, मेरी फिल्म से है, जिसका मैं producer भी हूँ, actor भी हूँ। Well, ये तो थी controversy की बात, लेकिन इस event पर शाहरुख खान ने और कुछ क्या क्या candid confessions किए, ये सब भी हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे हमारे शो Beach Night में। So don't miss it.